राजधानी लखनऊ में किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया है। एमकेएन न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है। आज भी किसान मजदूर महापंचायत इसलिए की जा रही है ताकि किसानों की मांगों को लेकर हम फिर से आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ वादा खिलाफी हुई है, हमें बहुत आहत पहुंचा है। इस बार किसी तरह के झूठे वादों में किसान नहीं आएंगे। भारतीय किसान यूनियन के बड़े नेता राकेश टिकैत जी ने आज लखनऊ के इको गार्डन में किसान मजदूर महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें सरकार ने जो किसानों के साथ वादा खिलाफी किया उसको लेकर यहाँ के जो किसान हैं वो आंदोलन करेंगे और राजभवन का घेराव करेंगे। जाने बातचीत करने के लिए है राकेश टिकैत जी, बातचीत करेंगे। मजदूर पंचायत में आए, क्या कहेंगे? हाँ, मजदूर आए, मजदूर पंचायत में आए, किसान में आए, इनकी समस्या है, इसलिए समस्या बहुत। राज्यपाल का घेराव भी करेंगे? ये घेराव भी तो हो रहा। क्या मांगे रहे? क्या मांगे? मांगे एमएसपी गारंटी कानून है, बिजली का सवाल है, बहुत से सवाल है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था हम जो कानून लेकर आते किसानों को समझा नहीं पाते, लेकिन आपका जो आंदोलन है उसमें फर्क नहीं पड़ रहा। वो फसलें नहीं लूटने दी उनसे हमको, वो किसानों की जमीन लूटना चाहते हैं। तो ये थे हमारे साथ राकेश टिकैत, जिन्होंने सीधे साफ तौर पर बताया कि सरकार अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं करेगी तो वो राजभवन का भी घेराव करेंगे। अब देखने वाली बल ये होगी कि जिस तरीके से भारी पुलिस बल तैनात है तो ऐसे में क्या राकेश टिकैत राज्यपाल का घेराव कर पाएंगे। कैमरा पर्सन विजय के साथ मैं अविनाश एमके।